IPL 11 की शुरुआत के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स की मुश्किलों की शुरुआत भी हो गई है। पहले चोटिल बल्लेबाज केदार जाधव ने टीम का साथ छोड़ा, फिर स्टार बल्लेबाज रैना को भी चोट की वजह से दो मैचों के लिए बाहर बैठना पड़ा और अब एक और खिलाड़ी ने महेंद्र सिंह धोनी की टीम को IPL के बीच में छोड़ दिया है। दरअसल साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी चेन्नई सुपर किंग्स को छोड़कर अपने देश लौट गए। लुंगी एनगिडी ने हालांकि IPL 11 में एक भी मैच नहीं खेला, लेकिन अपना पहला मैच खेल रहे लुंगी एनगिडी के पिता का डरबन में शुक्रवार को निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जेरोम एनगिडी का हाल ही में बैक ऑपरेशन हुआ था और इसी की वजह से उनका निधन हो गया। साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने लुंगी एनगिडी के लौटने की पुष्टि की है। इससे पहले चोटिल फॉफ डू प्लेसी भी पहले दो मैच में ही खेल नहीं सके थे। उधर कावेरी जल विवाद की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स को अपना होम ग्राउंड भी बदलना पड़ा, जिससे चेन्नई के फैंस निराश हो गए। धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स अब तक दो मैच खेल चुकी है, दोनों में ही CSK ने जीत दर्ज की है। अपना अगला मैच चेन्नई सुपर किंग्स रविवार को मोहाली में किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ खेलेगी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।